तो चलिए आज जानते हैं कि एलन मस्क अपने मिड 40s की उम्र में चार मल्टीबिलियन कंपनीज का निर्माण कैसे कर सके, वो भी चार डिफरेंट फील्ड्स में, सॉफ्टवेयर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, एरोस्पेस। एलन मस्क की सक्सेस को समझने के लिए बहुत से लोगों ने उनके हीरोइक वर्क मॉडल्स की तरफ पॉइंट किया। जैसे कि सब जानते हैं वो रेगुलरली 85 आवर्स पर वीक वर्क करते हैं। उनके फ्यूचर को लेकर विजन को रियलिटी में बदलने की जिद उनकी सक्सेस का रीजन बना। उनकी सक्सेस का सिर्फ एक ये रीजन नहीं, क्योंकि ये खूबियां तो बहुत से लोगों में होती है। तो एलन मस्क ने ऐसा क्या अलग किया? मैंने एलन मस्क के बारे में काफी आर्टिकल्स, बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखी। मैंने देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा पजल का पीस नहीं है। कन्वेंशनल स्टडीज ये बताती है कि वर्ल्ड क्लास बनने के लिए हमें केवल एक फील्ड पर ध्यान देना चाहिए, बट मस्क ने ये रूल ब्रेक किया। उनकी एक्सपर्टीज हर फील्ड में है, जैसे कि रॉकेट साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टनलिंग, फिजिक्स, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सोलर पावर एंड एनर्जी तक। एलन मस्क मॉडर्न पॉलीमैथ है। मॉडर्न पॉलीमैथ वो लोग होते हैं जिन्हें काफी फील्ड्स की नॉलेज होती है, जो 5 आवर्स रूल फॉलो करते हैं, वीक के 5 आवर्स लर्निंग में लगाते हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी करते हैं, जो उन डिफरेंट फील्ड्स को कनेक्ट करने के लिए डीपर प्रिंसिपल्स एंड मेंटल मॉडल्स समझते हैं, जो उन मेंटल मॉडल्स को कोर सिस्टम तक अप्लाई करते हैं, सो दैट उन सब फील्ड्स को कनेक्ट करके यूज में लाया जा सके। स्टडी से पता लगा कि 20 सक्सेसफुल में से 15 पॉलीमैथ थे। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, लैरी पेज, जेफ बेजोस, ये सब भी मॉडर्न पॉलीमैथ हैं। ये 5 आवर्स रूल फॉलो करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि द जैक ऑफ ऑल ट्रेड मिथ्स क्या है। एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, ग्रो अप, फोकस ऑन जस्ट वन फील्ड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। इसका सिंपल मीनिंग है कि जो पर्सन बहुत सारी स्किल्स पर फोकस करता है रेदर देन वन, वो किसी पर मास्टरी नहीं कर सकता। मतलब अगर आप मल्टीपल एरियाज की स्टडी करोगे तो आपको सिर्फ सरफेस लेवल की नॉलेज मिलेगी, यानी केवल चीजें थोड़ा थोड़ा पता लगेगा, यानी आप किसी भी फील्ड को मास्टरी नहीं कर पाओगे। बट स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि जो मॉडर्न पॉलीमैथ है उन्होंने ये शो किया कि ये रॉन्ग अजम्पशन है। मल्टीपल फील्ड की नॉलेज हमें सिग्निफिकेंट एडवांटेज देती है। फॉर एग्जाम्पल, दो या दो से ज्यादा स्किल्स का एक टिपिकल कॉम्बिनेशन बनाना जो सिर्फ आप में है, ये आपको वर्ल्ड क्लास स्किल सेट की ओर ले जाता है। इससे आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, आप इनोवेटिव स्किल्स डेवलप करते हो और ये आपको दूसरों से एक कदम आगे रखता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट फोकस ऑन वन फील्ड, इससे आपका करियर फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। बिकॉज नाउ आप मल्टीपल फील्ड्स के मास्टर हो, इससे आप भीड़ से हटकर खड़े होते हो एंड आप ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपटीशन बनते हो। इसका एक सिंपल एंड ऑथेंटिक एग्जांपल है। अगर आप एक टेक इंडस्ट्री में जॉब करते हो और सब लोग सिर्फ टेक रिलेटेड पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, बट आपको बायोलॉजी के बारे में भी पता है जो कोई और सोच भी नहीं सकता, ठीक वैसे ही अगर आप बायोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते हो और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी आइडिया है, तो आपको इंफॉर्मेशन एडवांटेज है। जो इन्फो दूसरों के पास नहीं वो आपके पास है, इसे आप भीड़ से स्टैंड आउट करोगे। इन सब बेसिक नॉलेज के अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड देयर इंडस्ट्री या फील्ड सीखते हैं। ये एक मॉडर्न पॉलीमैथ एडवांटेज है कि हर न्यू फील्ड के बारे में हम जो सीखते हैं वो हमारी फील्ड से बिल्कुल बिलोंग नहीं करती। तो ये हमें चांस देते हैं कि हम ऐसे कॉम्बिनेशन लाए जो लोगों के लिए सोचना तक इम्पॉसिबल है, या एक ऐसा बिजनेस मॉडल के साथ आए जो कॉम्बिनेशन है इन सब अनफेमिलियर फील्ड्स का। तो ये हमें इंडस्ट्रियल एडवांटेज देता है। स्टडीज से पता चलता है कि कैसे टॉप 59 ओपेरा कंपोजर्स ऑफ 20th सेंचुरी मास्टर देयर क्राफ्ट। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, टॉप परफॉर्मर की सक्सेस का राज है उनकी प्रैक्टिस एंड पर्टिकुलर फील्ड की स्पेशलाइजेशन। बट रिसर्चर डैन केट सिमेंटेंस ने इसका टोटली अपोजिट देखा। उन्होंने देखा कि सबसे सक्सेसफुल ओपेरा कंपोजर्स का कंपोजिशन मिक्स ऑफ डिफरेंट जेनर्स है। मतलब कि वो सिर्फ एक टाइप का म्यूजिक कंपोजिशन नहीं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक प्रेजेंट है। कंपोजर्स क्रॉस ट्रेनिंग की वजह से ओवर ट्रेनिंग इन सिंगल टाइप ऑफ जेनर से बचने में सक्षम हुए। तो चलिए अब जानते हैं कि मस्क लर्निंग ट्रांसफर सुपर पावर के बारे में। उनके भाई किम्बल मस्क बताते हैं कि जब मस्क टीनेजर थे तब से वो 2 बुक्स हर दिन पढ़ते थे, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन की। इसको समझने के लिए बताते हैं कि अगर आप एक बुक पर मंथ पढ़ते हो तो वो 60 बुक पर मंथ पढ़ते थे। स्टार्टिंग में वो ज्यादातर बुक पढ़ते रिलेटेड टू साइंस फिक्शन, फिलोसॉफी, रिलीजन, प्रोग्रामिंग, साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड एंटरप्रेन्योर्स की बायोग्राफी। बट जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी रीडिंग इंटरेस्ट भी चेंज हुई, जैसे फिजिक्स, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इवन एनर्जी। उनकी जो थर्स्ट थी नॉलेज गेन करने की एंड हर फील्ड को समझने की, उसकी वजह से वो उन सब्जेक्ट्स की तरफ भी अट्रैक्ट हुए जो कभी स्कूल में पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं था, या उन्हें कहीं कभी स्कूल में वो सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं गए। एलन मस्क एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग में भी काफी अच्छे हैं जो कई लोग जानते तक नहीं, या कुछ लोगों ने तो उसका नाम तक नहीं सुना। एक सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है जो हम सीख रहे हैं एक कॉन्टेक्स्ट में उसे कहीं और अप्लाई करना। जैसे हम कुछ स्कूल में सीखते हैं या टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हम एक इंडस्ट्री में सीखते हैं उसे दूसरी इंडस्ट्री में अप्लाई करना। ये एक एरिया है जहां मस्क शाइन करते हैं, उनका कोर एरिया। उनके कई इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि उनके पास एक 2-स्टेप प्रोसेस है जैसे लर्निंग ट्रांसफर प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने नॉलेज को 2 पार्ट में तोड़ा, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड मेंटल मॉडल। रेडिट AMA पर उनका आंसर डिस्क्राइब करता है कि उन्होंने ये कैसे किया। मस्क ने बताया कि उनकी नॉलेज को सिमेंटिक ट्री की तरह समझो, एंड ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस ट्री की लीव्स जो डिटेल्स है उसको समझने से पहले उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझो, वो प्रिंसिपल्स उस ट्री के ट्रंक्स एंड ब्रांचेस हैं। दूसरे जो वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका एक्सपीरियंस बताते हैं कि आप इस नॉलेज को मेंटल मॉडल में डिवाइड करें। सेल्फ मेड बिलियनियर वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर बोलते हैं कि रियलिटी को अंडरलाइन करने वाले कई मॉडल्स को मास्टर करने की आदत डेवलप करना सबसे अच्छी बात है जो आप कर सकते हो। सेल्फ मेड बिलियनियर रे डेलियो कहते हैं, जो लोग प्रिंसिपल्स एंड मेंटल मॉडल को जितना ज्यादा समझते हैं एंड जानते हैं, वो जानते हैं कि दुनिया से कैसे इंटरेक्ट एंड डील किया जाता है, इन कंपैरिजन टू दोस्त जो इसके बारे में जानते तक नहीं। रिसर्च से पता चलता है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाने से एंड उनको मेंटल मॉडल में कन्वर्ट करने से आपकी लर्निंग ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, एक और ऐसी टेक्निक है नोन एज कॉन्ट्रास्टिंग केसेस। एक सिंपल सा वे है इस डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेटर ए डीकंस्ट्रक्ट करना है एंड जानना है कि ये लेटर ए एक क्यू है, इसके 2 अप्रोचेस है। पहला, आप कॉन्ट्रास्टिंग लेटर्स एंड केसेस देखो। सेकंड, आप सेम केसेस एंड लेटर्स देखो। अकॉर्डिंग टू यू कौन सा अप्रोच बेटर है? अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट, इन केस 1 जहां सब लेटर्स कॉन्ट्रास्टिंग है जिसकी
की वजह से आप इसे ज्यादा देखते हैं, समझते हो। एंड ऑन अदर हैंड इन अप्रोच टू सब लेटर सेम है, सो नो इनसाइड। जब हम डाइवर्स केसेस देखते हैं तो हम उनको फिल्टर करते हैं एंड देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, एंड इवन हम हमारे अकॉर्डिंग यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस क्रिएट करते हैं। इसका हमारी डे टू डे लाइफ से क्या रिलेशन है? जब हम किसी न्यू फील्ड में एंटर करते हैं तब हम सिर्फ एक अप्रोच पर फोकस नहीं करते, वी शुड एक्सप्लोर डिफरेंट अप्रोचेस, डीकंस्ट्रक्ट करना हर अप्रोच को एंड देन उन सबको कंपेयर करके बेस्ट चूज करना, ये हेल्प करता है प्रिंसिपल्स एंड मेंटल मॉडल समझने में। तो चलिए बात है सेकंड प्रोसेस पे। मस्क के लर्निंग ट्रांसफर प्रोसेस का सेकंड पार्ट है कि उन्होंने सारे फंडामेंटल प्रोसेस को रिकंस्ट्रक्ट करा जो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, इंजीनियरिंग सभी अलग अलग फील्ड्स में सीखा। 1. इन एरोस्पेस रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ SpaceX। 2. ऑटोमोटिव में टेस्ला विद सेल्फ ड्राइव फीचर बनाने के लिए। 3. ट्रेन में हाइपरलूप बनाने के लिए। 4. एविएशन में इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के लिए जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंड करे। 5. टेक्नोलॉजी में न्यूरल लेस के लिए जो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। 6. टेक्नोलॉजी में पेपल बनाने के लिए एंड OpenAI। 7. फिजिक्स में द बोरिंग कंपनी बिल्ड करने के लिए। केथ हॉलियॉक, UCLA प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एंड वर्ल्ड के लीडिंग थिंकर एनालॉजिकल रीजनिंग में बताते हैं कि अक्सर लोग उन्हें ये दो क्वेश्चन करते हैं उनकी स्किल्स को लेकर। What does this remind me of? दूसरा, Why does it remind me of it? जब हम constantly अपने चारों तरफ की चीजों को देखते हैं तब ये दो क्वेश्चन खुद से करने चाहिए। इससे आपके ब्रेन की मसल्स डेवलप होती है जिसे कनेक्शन बनते हैं एंड आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज होती है। बॉटम लाइन, ये कोई जादू नहीं, ये बस एक सही लर्निंग प्रोसेस है। चलिए अब हम जानते हैं कि इलॉन मस्क वर्ल्ड क्लास मॉडर्न पॉलीमथ कैसे बने। उन्होंने एक नॉर्मल रीडर के कंपैरिजन में 60 टाइम्स ज्यादा पढ़ने में कई साल बिताए हैं। वो डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, वो कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते हैं जो वो सीखते हैं बाय डीकंस्ट्रक्टिंग आइडियाज इनटू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड अगेन रिकंस्ट्रक्ट करके न्यू वे में। प्रैक्टिकल लेवल पर हम इलॉन मस्क से मॉडर्न पॉलीमथ का फॉर्मूला सीखते हैं। 1. टाइम फिक्स रखो, एटलीस्ट वीक में 5 आवर्स। 2. डिफरेंट फील्ड्स के कोर मेंटल मॉडल्स को सीखो। 3. उन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एंड रियल वर्ल्ड से रिलेट करो। 4. अच्छे से उन कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग को अप्लाई करते रहो। जैसे जैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल एंड मेंटल मॉडल को सीखते हैं हम अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज गैदर करते हैं एंड वो सब सीखते हैं जो पहले कभी नहीं पढ़ा एंड यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इलॉन मस्क की लर्निंग सुपर पावर सीखने से हमें इनसाइड नॉलेज मिलती है, कैसे इंडस्ट्री में जाए, कैसे बदले उस कॉन्सेप्ट को जो 100 साल से चला आ रहा है। एट द एंड इलॉन मस्क इज वन ऑफ द काइंड बट हिज एबिलिटीज aren't मैजिकल। इसका मतलब इलॉन मस्क लाखों में एक है बट उनकी एबिलिटीज कोई जादू ही नहीं। तो चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलते हैं हम सब लोग नेक्स्ट वीडियो में।